रोहित शर्मा ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली है और अब बड़ा सवाल ये बनता है कि कैप्टेंसी कौन करेगा T20 फॉर्मेट की। तीन ऑप्शन है, एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि IPL की बात करी जाए, T20I की बात करी जाए तो वहां पर इनका परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा की जहां तक बात है, करियर के हाई नोट पर उन्होंने एंड करा है। दूसरा ये कि सबसे सफल कप्तान रहे, 50 मैचों में उन्होंने जीत हासिल की है। उर्वी का तीन ऑप्शन कौन कौन से, एक बार वो देखिए। देखिए सबसे पहला ऑप्शन शुभमन गिल, उसके बाद हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत, तीनों दावेदार हैं कि इनमें से कोई भी कैप्टन बन सकता है। अगर हम बात करते हैं शुभमन गिल की, तो जिम्बाब्वे टूर को जो है वो लीड करने वाले हैं, उसमें कैप्टन रहने वाले हैं, तो कैप्टन कैसे रहेंगे ये हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। हार्दिक पांड्या की बात करें तो इंजरी से पहले वो T20 इंटरनेशनल्स को लीड किया करते थे, आगे जाके भी कर सकते हैं। और ऋषभ पंत की बात करें तो देखिए गांगुली की बात हुई या फिर रिकी पोंटिंग की बात हुई, ये लोगों ने कई बार अपने बयान में बोला है कि ऋषभ पंत एज अ कैप्टन बहुत अच्छा निकल के आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक काम करते हैं, T20 में इनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि बतौर खिलाड़ी ये कैसा कर रहे हैं। हार्दिक की बात करें, 100 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, 1452 जो है रन बनाए हैं। बेस्ट की अगर बात करी जाए तो 71 है, 141 का स्ट्राइक रेट है, 6/78 है, और इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग और बैटिंग के संग दोनों के साथ करिश्माई गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है। बिल्कुल, और कमबैक किया है तो क्या किया है। ऋषभ पंत की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 74 मैचेस खेले हैं, रन है जिसमें 1158, बेस्ट रहा है 65, स्ट्राइक रेट है 126, सिक्सेस है 43। शुभमन गिल की बात करें तो देखिए न्यू कमर है तो उसी हिसाब से उनके 14 मैचेस है, रन है 335, बेस्ट रहा है 126, स्ट्राइक रेट है 147, सिक्सेस है 60। और इस बार उम्मीद ये थी कि वो T20 फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उन्हें जो है वो ड्रॉप कर दिया गया था। अब कप्तानी की जहां तक बात है तो उसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या की जहां तक बात है, 16 मैचों में उन्होंने कप्तानी करी है, 10 जीते हैं, 5 हारे हैं और नो रिजल्ट या टाई की बात करी जाए वो एक रहा है। विनिंग परसेंटेज जो है वो 62.50 है। बिल्कुल, वही अगर हम पंत की बात करें तो एज अ कैप्टन उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं जिनमें से 2 जीते हैं, 2 हारे और 1 जो है टायर है। विनिंग परसेंटेज अभी निकाली नहीं गई है। वहीं अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो अभी जो है उनका एज अ कैप्टन पीरियड शुरू होगा, तो आने वाले टाइम में हम जज कर पाएंगे कि कितने मैचेस और कितने वो पानी में है। बिल्कुल, अब IPL की बात करते हैं, जिस फॉर्मेट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं की जाती हैं। तो हार्दिक की जहाँ तक बात है तो उन्होंने जो है वो 137 मैच खेले हैं, 2525 रन है, 91 का बेस्ट है, 146 का स्ट्राइक रेट है, सिक्सेस की बात जहाँ तक बात है तो वो 136 हैं। बिल्कुल, और वही अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो 111 मैचेस खेले हैं जिसमें 3,284 रन्स जड़े हैं, बेस्ट रहा है 128 का, स्ट्राइक रेट है 148 और सिक्सेस है 154। शुभमन गिल का रिकॉर्ड भी एक बार देख लेते हैं, वो 103 मैचेस खेले हैं, रन्स है 3,216, 129 रहा है बेस्ट, स्ट्राइक रेट है 135 और सिक्सेस है 95। चलिए IPL में जो है वो कैप्टेंसी का रिकॉर्ड देख लेते हैं, बिकॉज अगर हम बात करें तो तीनों जो है वो यहाँ पर कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें, 45 मैचों में बतौर कप्तान नजर आए, 26 जीते हैं, 19 हारे हैं और विनिंग परसेंटेज इनका 57.77 का है। बिल्कुल, ऋषभ पंत की हम बात करें, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन रहते हैं ये, 32 मैचेस उन्होंने खेले हैं एज अ कैप्टन जिसमें से 16 मैचेस जीते हैं, 15 हारे हैं, नो रिजल्ट या फिर टाई की हम बात करें तो एक मैच में ऐसा हुआ तो, और 50% चांसेस हो जाते हैं कि टीम जीतेगी जब ये कैप्टन रहते हैं। वहीं अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो अभी गुजरात टाइटन्स में कैप्टनसी करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे इन्होंने 13 मैचेस खेले हैं जिनमें से 6 जीते हैं, 7 हारे हैं, नो रिजल्ट या टाई एक मैच में रहा और विनिंग परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाती है 46.15। वैसे इनका पहला ही सीजन था तो जज करना बड़ा मुश्किल है कि कप्तान ये कहते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या की बात करी जाए तो पहली बार कप्तानी करते हुए इन्होंने जो है वो साल 2022 में गुजरात टाइटन्स को जिताया, फिर साल 2023 में रनर अप रहे और साल 2024 में मुंबई इंडियंस की तरफ से कैप्टनसी करते हुए नजर आए थे। हालांकि विवाद बहुत ज्यादा रहा था, जो विवाद अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वही अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो 2024 में IPL उन्होंने खेला है और दिल्ली कैपिटल्स को एक अच्छे मुकाम पे आके जो है पहुंचा के खड़ा कर दिया। सौरभ गांगुली की बात हो या फिर रिकी पोंटिंग की बात हो, दोनों ही कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एज अ कैप्टन उन्होंने जो है 446 रन बनाए थे जिसमें स्ट्राइक रेट था 155 का और बिहाइंड द विकेट यानी एज अ विकेट कीपर भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बिल्कुल, अगर टीम में डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते तो दिल्ली जो है वो क्वालिफाई कर सकती थी, लेकिन ट्रिस्टन स्टर्व जो है वो लेट आते हैं, मैकरुक जो है वो लेट परफॉर्म करते हैं, इसकी वजह से दिल्ली जो है वो 6वें नंबर पर नजर आती है। गिल की जहां तक बात करी जाए, उनका इंप्रेसिव रिकॉर्ड रहा था साल 2022 में, फिर 23 में उतना अच्छा नहीं रहा और 24 में
में तो बिल्कुल भी नहीं रहा। बिल्कुल, उन्होंने 2023 में हाईएस्ट रन गेटर का जो किताब अपने नाम किया था 17 मैचेस में 890 रन बनाए थे, जिसकी वजह से जो है एज अ कैप्टन उनकी काफी तारीफ होती, लेकिन फिर आगे जाते जाते उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन एक और जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके हिसाब से जयशाह ने जो है पूरी पूरी हिंट दी है कि T20 फॉर्मेट में जो है हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को लीड करते नजर आ सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत जो है वाइस कैप्टनसी करते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, मुझे भी इन आंकड़ों को देखने के बाद यही लगता है कि हार्दिक पांड्या फिलहाल टीम इंडिया के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं जो कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। और पंत हो या फिर शुभमन गिल हो, उन सभी को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, तो एज अ प्लेयर जो है वो काफी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। आपको क्या लगता है कि इन आंकड़ों को देखने के बाद इन तीनों में से किसी को एक को कप्तान होना चाहिए या फिर कोई और भी हो सकता है? तो आप जिसको भी लगता है नाम जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं।